कन्नौज में महागठबंधन की रैली के दौरान हेलीपैड पर उस समय भगदड़ का माहौल हो गया जब हेलीपैड पर कड़ी सुरक्षा के बीच सांड घुस गया और देखते ही देखते उसने सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मियों को घायल कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वैसे तो सभा शुरू होने से पहले आपने मैदान में कुछ देखा होगा, मैदान में क्या नजारा था, हमें डीजीपी साहब को फोन मिलाना पड़ गया। उन्होंने कहा, मैंने बताया उन्हें कि कौन आया है जो हमें और आपको परेशान कर रहा है। उन्होंने सांड से मुकाबला करने पर कहा कि मैं उस जवान को या उस नौजवान को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, हम अपने पुलिस के लोगों को भी धन्यवाद देंगे, इन्हें नहीं पता था कि ये भी आ जाएंगे मैदान में, लेकिन कम से कम प्रशासन के लोग हरदोई के बाद तो तैयार रहो, ये सांड कहीं भी आ जाएंगे शिकायत लेकर। इन्हें लगा कि शायद हरदोई वाला हेलीकॉप्टर आया है, इसलिए वह अपनी शिकायत करने आया है। अखिलेश ने कहा कि हम पुलिस के लोगों को और उस नौजवान को धन्यवाद करते हैं जिसने डटकर सांड का मुकाबला किया, उसको न जाने कितनी गंभीर चोटें लगी होंगी लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने मुकाबला किया और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी सभा संपन्न हो रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि हम अपने कन्नौज के साथियों के सामने और सबके सामने कहना चाहते हैं कि जिस नौजवान ने उस सांड का मुकाबला किया, 23 मई के बाद जब परिणाम आएगा तो इसी मैदान में हम उसको सम्मान देने का कार्य करेंगे और जो सहयोग हो सकता है वह सहयोग देने का कार्य करेंगे। वैसे तो सभा शुरू होने से पहले आपने मैदान में कुछ देखा होगा, मैदान में क्या नजारा था, हमें डीजीपी साहब को फोन मिलाना पड़ गया, वो लखनऊ नहीं थे, दिल्ली थे। हमने कहा कि यहाँ पर हमारी सभा को कोई खराब करने आ गया है, वो समझ नहीं पाए। फिर मैंने बताया उन्हें कि कौन आया है, नहीं समझ पाए, फिर बताना पड़ा कि कौन आया है जो हमें और आपको परेशान कर रहा है। मैं उस जवान को या उस नौजवान को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, हम अपने पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद देंगे, इन्हें नहीं पता था कि ये भी आ जाएंगे मैदान में, लेकिन कम से कम प्रशासन के लोग हरदोई के बाद तो तैयार रहो, ये कहीं भी आ जाएंगे शिकायत लेकर। इन्हें लगा कि वही हेलीकॉप्टर आया है, उन्हें लगा शायद हरदोई वाला हेलीकॉप्टर आने वाला है, वो अपनी शिकायत करने आया था। पुलिस के लोगों को और उस नौजवान को जिसने डट के मुकाबला किया, चोट लगी होगी उसके, न जाने कितने गंभीर चोट होगी उसको, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने मुकाबला किया और उसी की वजह से आज हम यहां देख रहे हैं कि हमारी सभा संपन्न हो रही है। हम अपने कन्नौज के साथियों के सामने और सबके सामने कहना चाहते हैं कि जिस नौजवान ने उसका मुकाबला किया, 23 मई के बाद, 23 मई के बाद जब परिणाम आ जाएगा तो इसी मैदान में हम उसको सम्मान देने का काम करेंगे।